गांव में पेड़ के नीचे कान्हा बैठा हुआ था। तभी उसके पास गांव के कुछ बच्चे आए और बोले, दादाजी कोई कहानी सुनाओ ना। बताओ कौन सी कहानी सुनाओ? जन्माष्टमी आ रही है, उसी पर कोई कहानी सुना दो। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब हमारे गांव में दुर्जन सिंह का कहर हुआ करता था। सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे। वीरपुर गांव में देवा नाम का एक गरीब पंडित रहा करता था। वो अपनी पत्नी दीपा और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम कान्हा और पुत्री का नाम नैना था। देवा बहुत ही सीधा और ईमानदार ब्राह्मण था, जो गांव के ही एक मंदिर का पुजारी था। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी जमीन का खाली हिस्सा था, जिसमें आम, सेब, अमरूद आदि के पेड़ थे, जो देवा के पूर्वजों ने मंदिर को दान दे रखा था। उसी जमीन पर गांव का दुष्ट अजगर पांडे की कुदृष्टि थी, लेकिन ईमानदार देवा के रहते ये संभव नहीं था। अरे देवा, कब तक ईमानदार दरिद्र ब्राह्मण बने रहोगे? बच्चों के तो भविष्य की कम से कम चिंता करो। तुम अगर साथ दो तो मंदिर को दान दिया हुआ जमीन मुझे बेचकर अमीर बन सकते हो। तुम अपना अपने इरादों का क्रियाकर्म कर दो, क्योंकि मैं भगवान और पूर्वज से गद्दारी नहीं कर सकता, समझे? तुम्हें यह ईमानदारी एक दिन भारी पड़ेगी। कान्हा, तुम मना करने के बावजूद आज फिर से फटी हुई ड्रेस पहनकर आए हो। जूते की जगह चप्पल नहीं चलेगा। सर, मैंने पिताजी से बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले महीने नया ड्रेस ला देंगे। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कान्हा है। मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने स्कूल से निकाल दिया। हम गरीब है ना, इसलिए हमारे पास औरों की तरह अच्छी चीजें नहीं है। कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते तो गुरुजी कभी मुझे स्कूल से नहीं निकालते। पता है मेरे साथ कोई नहीं खेलता। क्या गरीब होना कोई बुरी बात है? नहीं कान्हा, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं। अगर कुछ बुरा है तो वो है किसी का बुरा होना। इसलिए तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समझे? चलो अब रोना बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केशव है। तुम रोज यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं, आज से तुम मेरे पक्के वाले दोस्त। लेकिन मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, अगर बताया तो फिर नहीं आऊंगा मैं। ठीक है। अरे केशव, तुम्हारे पीछे सांप है, भागो। केशव सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है, लेकिन दुष्ट सांप फिर से कान्हा को काटने के लिए बढ़ता है। तभी केशव सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है। वाह, तुम तो बड़े बहादुर हो दोस्त, मैं रोज आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये घटना किसी से मत कहना। पुजारी जी, अरे ओ पुजारी जी, रुको जरा। अरे मास्टर साहब, प्रणाम, कहिए कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कान्हा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसकी तबीयत को क्या हुआ भला? वो तो भला चंगा है, स्कूल तो रोज आता ही है आपके पास। अरे कान्हा एक सप्ताह से स्कूल कहाँ आ रहा है? हमने सोचा कि लगता है बीमार होगा। नैना तो हाई स्कूल में दूसरी बिल्डिंग में है, इसलिए आपसे पूछ लिया। क्या? अब माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैं अभी पता करता हूँ कि क्या बात है। पहले ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे एक सप्ताह से? क्या बोल रहे हैं जी, मेरा बेटा तो रोज स्कूल जाता है, मैं रोज तैयार कर खुद इसे स्कूल भेजती हूँ। अभी रास्ते में मास्टर साहब मिले थे, वही बता रहे थे कि कान्हा एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल ड्रेस फट गया है, मास्टर साहब बोलते हैं कि अगर कल से नया ड्रेस और जूता नहीं लिया तो स्कूल नहीं आना, और मुझे स्कूल से निकाल दिया। हे भगवान, और कितनी दरिद्रता दिखाएंगे,
अब बस कीजिए, अब सहा नहीं जाता। लेकिन तू एक सप्ताह से स्कूल के समय जाता कहाँ है? नदी किनारे जो टूटी हुई मंदिर है उसके पास मेरा दोस्त केशव रहता है, उसी के साथ खेलता हूँ रोज। वो भी मेरी उम्र का है, वो बहुत ही बहादुर है, अकेले एक बड़ा सांप मार डाला उसने। जहाँ तक मुझे जानकारी है तुम्हारी उम्र का कोई केशव नाम का बच्चा अपने गांव में नहीं है। पिताजी, केशव मेरा दोस्त है, मैं आपको मिलवा भी दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, परसों उसका जन्मदिन भी है। सुनो जी, नैना का कल जन्मदिन है, वो कल 12 साल की हो जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। क्या करूं भाग्यवान, ये दरिद्रता हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका 3/4 हिस्सा डकैत दुर्जन सिंह ही ले जाता है, सिर्फ एक हिस्सा ही हमें मिलता है। आपको कई बार कहा कि इसकी शिकायत पंच लोग से कीजिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं। दुर्जन सिंह के पूर्वजों के समय से मंदिर के चढ़ावे का 3 हिस्सा उनको जाता है। कहते हैं कि दुर्जन सिंह के दादा जालिम सिंह ने एक बार पूरे वीरपुर को लूटने के बाद इस मंदिर की सोने की मूर्तियों को भी ले जा रहा था। तब हमारे दादा के दादा विष्णु देव ने भगवान की दुहाई दी और वादा किया कि मंदिर के चढ़ावे का 3 हिस्सा डकैतों को जाएगा। तब से यह हिस्सा उन्हें ही जाता है। पिताजी, मेरी सहेली बबली का पिछले महीने जन्मदिन था, उसने जो फ्रॉक पहना था ना, वैसी ही फ्रॉक मुझे चाहिए। अगर मुझे वो फ्रॉक नहीं मिला तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते, देखो बेटा, बबली के पिताजी सेठ धूमल दास का शहर में सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, उनकी कमाई लाखों में है, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, जिद नहीं करते, अब की बार तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही दीपा उठकर नैना को मंदिर जाने के लिए उठाती है, लेकिन नैना बोलती है कि जब तक बबली जैसा फ्रॉक नहीं मिल जाता मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। ये सुन के दीपा को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ देर बाद नैना का फ्रॉक और कान्हा के लिए स्कूल ड्रेस लेकर आ जाती है। नैना के सभी दोस्त को जन्मदिन के पार्टी में बुलाती है। अरे, ये फ्रॉक तो बिल्कुल मेरी तरह है, बहुत ही कीमती फ्रॉक है, वाओ। हाँ, मेरी माँ लेकर आई है। वाओ, कितना सुंदर केक है, क्या बात है। पार्टी में सभी नैना की सुंदर फ्रॉक के बारे में चर्चा करते रहते हैं। कोई बोलता है कि पुजारी जी को लगता है गड़ा खजाना मिल गया है, नहीं तो जिनको एक दिन खाने के लिए सोचना पड़ता था वो इतनी अच्छी पार्टी कहाँ से रखते। पुजारी जी, सचमुच आपकी बेटी की जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, मेरी शुभकामनाएं बिटिया के साथ हैं। फ्रॉक में बिल्कुल परी लग रही है। हाँ, इस ड्रेस की कीमत 1000 रुपए में है, परसों ही मैंने बबली के जन्मदिन पर उसे खरीद कर दिया था। लगता है पुजारी जी को कोई गुप्त धन की प्राप्ति हुई है, क्यों पुजारी जी? अरे, मुझ दरिद्र ब्राह्मण के पास कहां से धन आएगा, पता नहीं दीपा ने कहां से पैसे का इंतजाम किया है। ठीक है पुजारी जी, अब चलता हूँ, रात भी ज्यादा हो गई है, आपको भी कल जल्दी उठना होगा, कल जन्माष्टमी है ना? हाँ, कल मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनेगा। हे भगवान, अनर्थ हो गया, घोर कलयुग आ गया, अब तो भगवान भी सुरक्षित नहीं। क्या हुआ पुजारी जी, सवेरे सवेरे मंदिर के बाहर इतनी भीड़ कैसी? मंदिर के आभूषण गायब हो गए हैं। ऐसे कैसे हो गया, आज तक हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मुखिया जी, ये सब कैसे हो गया, मैंने कल खुद मंदिर की सफाई करके ताला लगाया था। ताले की चाबी किसके पास है? चाबी तो मेरे ही पास रहती है, आज जब मैं सुबह आया तो ताला लगा हुआ था। रोज की तरह जैसे ही ताला खोलकर अंदर घुसा तो देखा कि भगवान के सोने के आभूषण गायब हैं। क्यों देवा, सभी बता रहे थे कि कल रात की तुम्हारी पार्टी करोड़पति सेठ धूमल दास से भी शानदार थी। नहीं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कतई शक नहीं, लेकिन कहीं भाभी जी ने अजकर मुंह संभाल कर बात करो। लेकिन शानदार पार्टी पर गुप्त धन की बात पर तूने भी भाभी जी का ही नाम लिया था। दीपा, तुम बताओ कि जो ये लोग शक कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है।
आप भी मुझ पर शक कर रहे हो। ठीक है, मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, अब तो वो ही इंसाफ करेंगे। एक वक्त का खाने का ठिकाना नहीं तुम लोगों का, और चले गांव वालों को पार्टी देने। मूर्ख समझा है क्या हम लोगों को? मैंने चोरी नहीं की है, आप सब मेरा यकीन करो। मैंने पार्टी के लिए अपने सोने के कंगन बेचे थे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर दुखी नहीं करना चाहती थी। वाह जी वाह, जिन लोगों को हर चीज से पहले सोचना पड़ता है, उन्होंने सोने का कंगन बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वाह, आप जाकर जौहरी से पूछ लीजिए, वो सब जानता है। अरे वाह, हमें मूर्ख समझती हो, हम सब जानते हैं। पक्का तुमने चोरी से पहले ये सब किया होगा, ताकि तुम पर कोई शक ना करे, और जब बात तुम पर आए तो तुम इस तरह से बच जाओ। मुझे तो लगता है चोरी इन्हीं दोनों ने की है, और अब भोले बन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन सब के सब को गांव से निकाल दो। हमारे गांव और हमारे मंदिर को ऐसे पुजारियों की कोई जरूरत नहीं है, जिनका कोई धर्म ईमान ना हो। देवा के पत्नी बच्चे सभी रोते बिलखते रह जाते हैं। एक को तो पुलिस ले गई, अब तुम अपने इस बच्चे को लेकर निकल जाओ हमारे गांव से। हमारे गांव में तुम जैसों की कोई जगह नहीं। आज सूर्यास्त होने से पहले निकल जाना, समझ गए? लेकिन यहाँ हमारा घर है, हम अपने घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो सब हमें नहीं पता, जो बोल दिया सो बोल दिया। ये सब क्या हो गया प्रभु? आज तक हम जैसे भी थे, लेकिन कम से कम गांव में थोड़ी इज्जत तो थी। सोचा था कि शायद आपकी कृपा से हमें मिला है, लेकिन क्या वो इज्जत इसलिए मिली थी ताकि एक दिन वो इस तरह सबके सामने तमाशा बना दी जाए? हर दुख सहा प्रभु, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। आज नहीं सहा जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है प्रभु। या तो सब ठीक कर दो, या इतनी शक्ति दे दो कि ये सब सह सको। पता है प्रभु, बस ये समझ नहीं आ रहा कि आप तक मेरी विनतियाँ पहुँचती नहीं, आप सुनना नहीं चाहते। आपके तो दुनिया में कितने भक्त होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही थे ना सब कुछ। हर खुशी में, हर दुख में मेरे लिए सब कुछ आप ही थे। आप तो किसी के साथ गलत नहीं होने देते ना, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे परिवार के साथ? न जाने प्रभु, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब आपने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया है। पता नहीं फिर कब आपसे मिलने यहाँ आ पाऊंगी। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। क्यों रो रहे हो कान्हा? वो मेरे पिताजी, पुलिस। रो मत दोस्त, मुझे सब मालूम है। जब तुम्हें मालूम है तो तुम क्यों नहीं चोर को पकड़ कर सामने लाए? पुलिस मेरे पिताजी को पकड़ कर ले गई। तुम्हें बताया था ना कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा व्यस्त था। चलो मंदिर के पास तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ। पुजारी जी, हमें बचा लो। एक घंटे से हमारे ही घोड़े हम लोगों को ही लात मार मार कर जान लेने पर उतारू हैं। ये रहे भगवान के आभूषण, हमें बचा लो। एसपी साहब, हमें जेल में डाल दो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। जिस भगवान के चढ़ावे का 3/4 हिस्सा तुझे मिलता है, उनके ही आभूषण तूने चुरा लिए। छी, आभूषण चुराने का आइडिया तुम्हारे ही गाँव के अजगर पांडे का था। उसी ने मुझे आभूषण चोरी के लिए चाबी दी थी, और ये कहा कि कल रात पुजारी के यहाँ शानदार पार्टी हुई है, इसलिए लोगों का शक पुजारी पर जाएगा। हाँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरे जन्मदिन पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे माफ कर देना दीपा, मैंने तुम पर शक किया, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। कोई बात नहीं जी, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी, लेकिन अब आप सब भूल जाइए। मैं बस खुश हूँ कि सब ठीक हो गया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी भर ये दीप आपकी ऋणी रहेगी।
अजगर पांडे और दुर्जन सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सब उन्होंने ही किया था। हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ इतना गलत भला कैसे होने देते? पिताजी पिताजी, मेरे दोस्त केशव ने सब कुछ ठीक कर दिया। कौन केशव? मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त के बारे में, उसी ने ठीक किया ये सब। आज जब मैं रो रहा था तो उसने कहा कि रो मत, सब ठीक कर दूंगा। बेटा, इस दुनिया में करने वाला वो एक ही है, हमारे आराध्य श्री विष्णु। लेकिन उसने कहा वो कर देगा सब ठीक। आपको पता है, एक बार उसने सांप से मेरी जान बचाई थी, वो किसी से नहीं डरता। कान्हा, मुझे मिलना है उस बच्चे से। वो तो चला गया, उसका आज जन्मदिन है ना, उसने कहा सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्या नाम बताया तुमने उसका? केशव। जी सुनिए, हमारे आराध्य को केशव के नाम से भी तो जाना जाता है। मैं जानती हूँ, वो मेरे प्रभु ही थे। वो हमारी मदद के लिए केशव बन के बाल रूप में आए थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं समझ गया तुम्हारा दोस्त केशव कौन है। चल मंदिर में, आज तुम्हारे दोस्त का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। तो ये थी मेरे दोस्त केशव की कहानी, जिसने हम सभी की मदद की थी। बच्चों जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अरे कान्हा, बच्चों को कहानी ही सुनाता रहेगा या थोड़ा मेरे साथ भी वक्त बिताएगा? अरे कुछ दिनों बाद तो मैं चला जाऊंगा शहर, फिर सुना लियो जितनी कहानी सुनानी है। चलो बच्चों अब खेलो, मैं चला अब अपने सैर सपाटे में। उसके बाद कान्हा और उसका दोस्त दोनों लाठी देखते हुए घूमने निकल जाते हैं।